ये रोशनी ट्रस्ट और द्वारा जो प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा इसके बारे में बताइए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर मनोज जैन है। यहाँ रोशनी की ट्रस्ट की तरफ से एक सफाई कर्मचारियों के हेल्थ वर्कर के लिए एक सैनिटाइजर और ये अपना मास्क और वगैरह का प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। यहाँ पे हमने बड़े बड़े गेस्ट को आमंत्रित किया है। PWD के लोग आएंगे, SHO साहब आएंगे, काउंसलर वगैरह आएंगे। ये सोशल वर्क की श्रृंखला में हमारा ये प्रोग्राम है, ताकि आजकल कोरोना के माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका भी ध्यान रखें। वो हमारी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। किन किन लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं इसमें और जो वितरित किया जा रहा है सैनिटाइजर, किन किन लोगों को वितरित करेंगे आप? हम हेल्थ वर्कर से सफाई कर्मचारी हैं और ये जो रेड़ी पटली वाले सब्जी वाले उनको। इसका उद्देश्य क्या है, जो रोशनी ट्रस्ट जो कर रहे हैं काम, इसका उद्देश्य क्या है? सोशल वर्क है सर, हम सोशल वर्क करना चाह रहे हैं कि समाज के जो लोग हैं जिनको सम्मान देना चाहते हैं, जो हम लोगों की सेवा करते हैं, हम लोग उनको ध्यान नहीं रखते, तो उनको सम्मानित करने के लिए हमें कदम उठाया सर हमने। रोशनी ट्रस्ट के और जो सुनील जी ये कार्य कर अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना आपको? हाँ, रोशनी ट्रस्ट के चेयरमैन सुनील जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके ही द्वारा, उनके प्रयासों से ही हम लोग एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं और हर आए दिन, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, जो कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, समाज के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है सर। मैं गुलशन अरोड़ा विदिशा अपार्टमेंट में रहता हूँ। रोशनी ट्रस्ट ने आज हमारे एरिया के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी इस एरिया को साफ रखने में कार्य काम करते हैं, उन सब को इस कोरोना पीरियड में भी उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से काम किया है कि ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा अच्छे से सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए रोशनी ट्रस्ट ने उन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि हमारे EDMC के कर्मचारी और DDA के कर्मचारी और भी जितने हमारे यहाँ के आसपास के सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको बुलाया गया है ये सम्मान देने के लिए कि उन लोगों का जो काम है इस पीरियड में, वो बहुत ही अच्छा वो लोग कार्य कर रहे हैं। ये जो रोशनी ट्रस्ट जो कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है जो कार्यक्रम? इसका उद्देश्य तो समाज सेवा ही है मेनली, तो और सबसे है कि किसी तरीके से इस एरिया को और आसपास के सभी जगह को कुछ अच्छे कार्य किए जाएं। जैसे कि इसके अलावा रोशनी ट्रस्ट अलग अलग कैंप्स लगवाता है, और जैसे कि योगा के कार्यक्रम करता है, तो इस तरह के सभी कार्य करने के लिए रोशनी ट्रस्ट बनाया गया है। सुनील जी, जिसको इसका अध्यक्ष, उनके बारे में क्या कहना है आपको? सुनील जी बहुत लगन से इस पर काम कार्य करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कितना किस समय है, क्या है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी समस्या को अगर हम उनको बताएं, इवन अगर हम एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज किसी समस्या के ऊपर करें, तो वो अपने पूरे जोर शोर से उसको ठीक करवाने में लग जाते हैं। मेरा नाम अतुल गोविल है और मैं यहाँ विकल्प सोसाइटी में रहता हूँ। और आज के प्रोग्राम में हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जो अपना कोविड वॉरियर्स हैं, चाहे वो MCD के हैं, पुलिस महकमे के हैं, काउंसलर हैं हमारे और बाकी PWD के हैं, उनको हम उनका स्वागत करेंगे और उनको एक टोकन सर्टिफिकेट देने का हमारा प्लान है। क्योंकि इन कोविड वॉरियर्स ने ही हमें जब अपना चरम सीमा पे था, तब काफ़ी हमारी मदद करी, पूरा समाज में एक ऑर्डर रखने के लिए मदद करी, सफाई और जो भी हेल्थ की सुविधाएं हैं उसको प्रावधान करने में पूरा सहयोग दिया। तो आज समय है जब हम उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और उनको बताएं कि हाँ जी, उनकी सेवाओं से हमें कितना लाभ मिला। ये जो रोस्ट ट्रस्ट जो कार्य कर रही है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेन उद्देश्य जो हमने अभी तक जो वर्किंग करी है रोशनी ट्रस्ट के साथ, एक तो है पर्यावरण का संरक्षण में हम लोग जुड़े रहते हैं, और दूसरा ये है जो स्ट्रे कैटल है और सफाई हाइजीन के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना। तो ऐसे जो समाज के जो कॉमन इश्यूज हैं, जिसको कि हम लोग लोकली रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पे ही हमारा फोकस है। पर्यावरण आज की तारीख में बहुत बड़ा फोकस एरिया है, क्योंकि इतना प्रदूषण बढ़ चुका है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण में जितनी भी हम लोग पेड़ लगाना है या कुछ और तुलसी प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये आपके एलोवेरा, ये सब प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन करके, जिससे कि लोग बाग इनको इस्तेमाल करके हेल्थ
मेंटेन करके रखें, अपना हेल्थ अच्छी हेल्थ बना के रखें। आज का दिन मैं पब्लिक के लिए मास्क, फ्री मास्क और सैनिटाइजर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपनी योजना तैयार किया। आज बहुत सारा लोगों का बताया गया एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक हम लोग ने इस आयोजन स्टार्ट किया हुआ, सबके लिए बड़ा चाहते हैं हम। जो रोशनी ट्रस्ट जो कार्य कर रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो रोशनी ट्रस्ट वाले ये नहीं है, कहीं आने के पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। सुनील जी एक कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बताएं? सर वो बहुत बड़ा समाज सेवक है, वो इनका आगे मैं बहुत आगे सोचता हूँ इसके बारे में। इनका रोल इस सोसाइटी और समाज के लिए बहुत चाहिए और आगे बहुत चलेगा। मेरा नाम है श्रीनिवासन, मैं रामकृष्ण अपार्टमेंट पटपड़गंज से हूँ, इनके साथ काफ़ी साल से जुड़ा हूँ। डी के गुप्ता, मैं त्रिलोक अपार्टमेंट में रहता हूँ, इसके से जुड़ा हूँ, इस रोशनी ट्रस्ट के साथ काफ़ी टाइम से। तो काफ़ी अच्छा सोशल वर्क करते हैं और काफ़ी कुछ किया है इन्होंने एक्सटेंशन के अंदर। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए। ये कोरोना जो योद्धा हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इनको ऑनर देने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मैं भी इन्हीं का पार्ट हूँ रोशनी ट्रस्ट का, इसलिए आया हूँ। ये जो सम्मानित करने से क्या उनमें और भी अच्छा कार्य करने के प्रेरणा मिलेगी और क्या मिलेगा आपका? सर्टेनली ये तो इनका उत्साह बढ़ाने के लिए है, आगे मतलब आप किसी को ऑनर देंगे तो आगे के लिए अच्छा ही होगा ना उनके लिए, इसीलिए उनको बुलाया है यहाँ पे। ऑनर आप किसी को देते हो इसलिए देते हो ना, ताकि उसका उत्साह बढ़ेगा। अनिल अग्रवाल, MBS फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये कंपनी हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर UP, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, अभी इंडिया के 7 स्टेटों में काम कर रही है। और इस पर हम जो हमारा है, हम दो बेसिक हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। एक वेंडिंग जोन जिसमें हम जो फुटपाथ पेरी वाले हैं उनको पर्टिकुलर जगह बना करके दे रहे हैं, जिसमें मुरादाबाद में हमारा बहुत ही काम चल रहा है लार्ज लेवल पर। दूसरा हम जो कूड़े से खाद बनती है, जो हम इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कूड़े का डिस्पोजल, जिसमें हम कूड़े से खाद बनाने की प्रक्रिया में अपना प्लांट एक पहला राजस्थान के सूरजगढ़ और झुंझुनू में लगाने जा रहे हैं, जिसमें एक ये हमारी फैक्ट्री यहाँ साहिबाबाद में, जिसमें हम मोबाइल टॉयलेट, डस्टबिन वगैरह वगैरह स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि पिछले 4 सालों से हम लगातार गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, भारत सरकार, मिलिट्री आदि को अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल हमारा काम है ये गवर्नमेंट की सेवा करना, ना प्राइवेट में हमारा कोई भी काम नहीं। और इसको हम आगे बढ़ाने का अभी हमारा आगे 10 सालों का अभी हम अपना प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं कि टोटल शहरों से जो कूड़ा है उसको हम उठाएं और उसको आकर के जाकर लेके डिस्पोजल के ऑफ करें। इसका उद्देश्य क्या है आपका जो कार्यक्रम हो रहा है? हमारा जो सोरोसी ट्रस्ट के साथ में जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, मेन है कि जो सोशल, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना से कितनी मौतें हुई, लोग डरे हुए थे, तब भी जो है इसमें रोशनी ट्रस्ट के माध्यम से सभी जितने भी वॉलंटियर जो उसमें ट्रस्टी लोग जुड़े हुए थे, तब भी हम लोगों ने इसमें खाने को डिस्ट्रीब्यूट कराना, सफाइयों का सम्मान, सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना, SHO साहब के साथ में कोऑर्डिनेशन, आपके सफाई कर्मचारियों के साथ, MCD के साथ, दिल्ली सरकार के साथ और वेरियस अथॉरिटी के साथ हम बराबर, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सुनील गुप्ता जी और अदर्स लोग बराबर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में लगे रहे, जबकि कोई भी आदमी घर से बाहर निकलने को बिल्कुल राजी नहीं था। रोशनी ट्रस्ट जो भी ये कार्यक्रम कर रही है, हम लोग ये जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें ना तो पॉलिटिकल उद्देश्य है, ना हमारा मॉनेटरी उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सेवा करना। मैं पार्श्वयार सोसाइटी का सेक्रेटरी और ये मेरे साथी KK गुप्ता जी ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हम रोशनी ट्रस्ट से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, दो साल से एक्टिवली काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो ये आसपास के एरिया में सुनील गुप्ता जी ने काफ़ी काम कराया है रोशनी ट्रस्ट के माध्यम से, तो हम लोग को जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमें बुलाते हैं, हम लोग उसमें एक्टिवली जुड़े हुए हैं और इनके सारे कार्यक्रम जो हैं बहुत कामयाब होते हैं। और आज भी जो इन्होंने कोरोना वायरस को वेलकम करने के लिए जो बुलाया है, तो वो उसमें भी और उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करके हमें खुद गौरवान्वित हो रहा है कि जो कोरोना से जिन लोगों ने मुक्ति पाई है और जिन लोगों ने कोरोना काल में पूरे समाज की सेवा करी है, उसको इस तरीके से फ्रंट लाइन पे ला करके, एक मंच पे ला करके उनका सम्मान करना, उससे मॉरल बूस्टअप होता है और समाज में प्रेरणा मिलती है, एक अच्छा मैसेज भी जाता है। और जिस तरह के कोरोना को एक बहुत बड़ा हुआ सा बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक नॉर्मल इसको वायरल फीवर मान करके अगर कराया है तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। और इस वक्त में हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो यहाँ पर जितनी सुविधाएं हैं इस वक्त में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, तो सब अपने, लॉकडाउन भी खुल गया है, सब अपने अपने कार्यों में जा भी रहे हैं,
तो अब ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं, लेकिन ये है कि कोरोना के साथ में हमें जो है अब जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये कब तक रहेगा इसके बारे में भी अनसर्टेनिटी है। WHO भी कुछ इस बारे में कंफर्म नहीं कह रहा है और अभी वैक्सीन का भी कंफर्मेशन कहीं नहीं हुआ है। तो हमारे को सिंपली ये क्या है कि इसका प्रोटेक्शन लेकर के और हम चलें तो हम अपने जीवन के नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। हालांकि ये है कि इस वक्त में नॉर्मल लाइफ जो है सोशल सिनेरियो में काफ़ी चेंज हो गई है, जो पहले हुआ करती थी उससे अब सब कुछ बदल गया है। सोशल गैदरिंग बदल गई हैं, फंक्शंस बदल जाएंगे, सबके प्रारूप बदल जाएंगे, त्यौहार मनाने के तरीके और तौर तरीके बदल जाएंगे। उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हम हैप्पीली एक्सेप्ट करें तो ये हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका अगर हम नेगेटिव साइड सोचेंगे तो हम लोग डिप्रेस होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भी एक पॉजिटिव साइड है, इससे एक लोगों के अंदर जो है एक कैसे फाइट बैक करके वापस आने की मेन स्ट्रीम में एक प्रेरणा मिली है। तो कोरोना जो है वो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ये है कि इस तरीके से लोगों के अंदर अभी जिस तरीके से जुड़ाव लोगों में आपस में देखने को मिल रहा है एक दूसरे की हेल्प करने का, पहले स्वार्थ ज़्यादा था लेकिन अब इस वक्त में इस तरीके का नहीं है। लोग बाग एक दूसरे की मदद के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं और सबकी सुरक्षा से समाज ऐसी आगे चलेगा, तरक्की होगी, जीवन चलेगा।